नाजरीन अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम अज शिरकत में असा मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सीनियर अगवान भी हैं। नाजरीन तक अपडेट कर दूंगा तो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट की तमाम अहम शख्सियत हैं। फिराज अमन शेख साहब से असानी गाल बोला शेख हाउस से मौजूद आयो सही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिराज साहब ताके प्रोग्राम की शिरकत में मैं फली कर छु। थैंक यू वेरी मच। तमाजी बड़ी बड़ी मेहरबानी जो असानी सिथ के टाइम दिनो है। खुसूसन में अचा तो शिकारपुर के हवाले से तो बोर्ड में अवजो तमाम वो किरदार रो शहर की तमाम मदद भी कई उन हवाले से वेलकम क्या शिकारपुर आया तो पढ़ी हर कान्हे में बहरहाल इतने जो फ्लड सिचुएशन रही पे तो एक नेशनल डिजास्टर हो वही तबाही थी पूरे सिंध में शिकारपुर में भी मतलब हुकूमत अड़े मौके से सेटिस्फाई कहीं ना कहीं थी डिजास्टर आए मैग्नेट्यूड जो शिदत बधल रही बट बहरहाल शिकारपुर में असा सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहदेदार दोस्त सिविल सोसाइटी कोशिश कई मेहनतन से अस अलहमदुल्ला थी सूँ शिकारपुर शहर के शहर में जी बरसात बंद थी उनके बे ढी अस शहर में पानी कड़ी छोड़े बारह ढी में जितों पानी निकली सके तो शहर के आउटर एरिया में कड़ी छोड़े डिस्ट्रक्शन जो थी शहर में वह तो हाँ मतलब उनमें एक नेशनल डिजास्टर हो उनमें वो थी उनमें भी गवर्नमेंट जो रिलीफ दिनों वो तक पानी खबर आ मतलब हो एड में अगर हाउस की रिहेबिलिटेशन हो वो भी प्रोसेस हले पो हाँ हली रो है काफ़ी मान जो घर भी ठहन था कुछ अना प्रोसेस में आन जो रिलीफ के हवाले से जो रेशन बैग दिनी हूँ गवर्नमेंट दिनी हूँ कुछ दोस्त दिनी हूँ वो भी समझ तो ढी वही तादाद हुई मगर वरी भी हर मानू के न मिली सके थी हर शहरी के न मिली सके थी क्योंकि इन रिलीफ के कम में हमेशा तूएन कराए रही है शिकायत रही है माशाला फिलहाल सारी सचिव हाँ असा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वर्कर आयो जल आयो हाँ जो रोल से चेयरमैन साहब आए फिलहाल साहब आए जो रोल एक मुल्क में इंटरनेशनल सतह से जो रोल एक प्ले करे तो समझा तो कि पूरी दुनिया ही चेयरमैन साहब की फिलहाल साहब की शख्सियत से मुतासर की ती सोता कड़े अंदाज में वो पाकिस्तान के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे तो पाकिस्तान के आलमी स्टेज से रिप्रजेंट करे तो चेयरमैन साहब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो पुटरा सदर असद करदारी जो पुटरा ऑपोजिशन में एक वाइब्रेंट किरदार अदा कई इमरान खान की हुकूमत के जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तरीके से लायण कर पाकिस्तान पे हिस्ट्री में समझा तो पे कहीं नोके अ भी याद आ जी चेयरमैन साहब लॉन्ग मार्च शुरू कई पे मेन मकसद उनको इस्लामाबाद दीदम हुकूमत के घर मोकल तभी मानू खिलन पाया चुन पा कि कर दो कर दो पे तो चुन पा मू न हुस चुन पा हलो अची भी वो तो कर दो हलो इस्लामाबाद अचान दस मू भी थी लखन जो मजमो जै शहर में वनू पे इस्तकबाल हो नौजवान जो बुजुर्गन जो वर्करन जो शहरियन जो गुजरते गुजरते अची इस्लामाबाद पुगास इस्लामाबाद में भी जमहूरी तरीके से एतजाज पेश कर जमहूरी तरीके से इमरान खान के चेयरमैन साहब शिकारपुर में मौजूद आयो। फिराज साहब मैं खास कर अचान तो अवे सिंटी से खास कर शिकारपुर से कैंडिडेट भारी असर से खटी आया ये कहो कम जो असाजा कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो भारी अक्सरियत से सिटी में कामयाब थिया है वो चेयरमैन साहब की पॉलिसीज सीएम साहब की पॉलिसी मेहनत असाजी सियासी दोस्तों की मेहनत असो चार साढ़े चार साल वो खिदमत कई आ शहर की उनको रिजल्ट हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकारपुर में स्वीप किया सिटी में 28 काउंसिल असाजा पार्टी जहाँ अलहमदुल्ला जैसे भी इलेक्शन थी चेयरमैन की जियालो चेयरमैन थी इनको मेन समझा तो कामयाबी सबब आ कि पूरी पार्टी जो शहर में कम दिनों जो
तरक्या की स्कीम हुए हेल्थ के हवाले से अस्पताल हुए एजुकेशन के हवाले से यूनिवर्सिटी जो प्रोजेक्ट हुए थे जो पार्टी जो कम आ जो पार्टी जो इतने कारकर्दगी रही है सुठी रही है असन सियासी दोस्तों इतने पार्टी जो कम किया अस रिजल्ट जो कामयाबी शहर में मिली है तो इतने अस पैर भी जो असेंस के सपोर्ट क्यों था क्योंकि काफ़ी जमात मान सपोर्ट न करन पाया सही ना असि कुछ रिजर्वेशन क्यों कि सिंध के इन्होंने पैरों थे पी और डैशबोर्ड में असने इंफॉर्मेशन तफसील गलियन पाया सी एम साहब चेयरमैन साहब फिक्स तुम चो कि अगर सिंध के तुम इंक्लूड न करो में बुझाई तो असप्ट न करे तो अस जायज़ मुतालबा उन्होंने असके इंफॉर्मेशन दियन था कि असा अ कमजोर थी करे महंगाई एडी बदी वे तो मानू बगल मानी कर ला प्रेशर गुजर हुकूमत जो नाकामी है सब मौजूदा हुकूमत को यो फर्ज अदा इकोनॉमी ते गाल के होता तो मतलब हमेशा तो ध्यान होता है एकडो एकड़ी सोच होती है ये कहो तो ये बेहतर थी दो ये सोच होती है ये कहो तो ये बेहतर थी दो रस्तो वटो तैयार करो इनमें ता देखो 4 साल की पॉलिसीज गुजर हुकूमत ने आनी शुरू शुरू में तक बुधा पे चो आई एम एफ वट न वेंदे खुद मुख्तारी करे आई एम एफ वट न वेंदे तो वही आई एम एफ वैयासीजन उन्होंने लेट कई तो इतने नंबी नंबी डिसीजन तक टाइमली वी जी तयशत की गाल अचे तो ये 4 साल की डिसीजन उन्होंने मुल्क के बर्बाद कर जे मरल से उन्होंने चलो समझा तो कि टाइम से तुम डॉलर भी चढ़ी वो जेल भी चढ़ी वो कोई शे कंट्रोल में ना इमरान खान साहब के असकूमत पीढ़ियों की हुकूमत मिली अड़े दुखे टाइम से दुखे मरल में मिली दुखिया फैसला करना पाया जी अगर तक घर वो चलो मामूली घर मुल्क मिसाल दिया तो जी बार वो चीन तो वो चवन मिसाल दी गेम खेलनी पढ़ो ना पढ़ो ना तो माँ पी मुश्किल से कवड़ो भी आलो भी ना बार पढ़ा बार जबरदस्त फ्यूचर में वो तक फायदो दें ये भी मुश्किल डिसीजन हाँ मूँ न समझन था यो डिसीजन अगर टाइम से वठिया खान साहब पाँच हुकूमत में टाइमली वठिया तो ये असरों से हाल ना अचे तो हाँ दुख्यों डिसीजन वर्तन जो असके लोन्स मिलना लोन्स वन मिलने कोई मददगार ना पाकिस्तान जी को हर ममालिक पाकिस्तान लोन्स वो रो उनमें कोई वो ना डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर एक खान साहब खड़ी अचे तो करे तो वो मुल्क के मुल्क के लिए हार्मफुल आ मुल्क के लिए नुकसानदेह उनके करे अना देरी थे थी जलसा जो रोज एजुकेशन आ लड़ाई झगड़ो आ उनका सूरत समझा तो अना खराब थे थी मगर अलहमदुल्ला असके रिलेशन से पूरा अहतमाद आ इनशाला आवाम की फैशन से पूरा साहब आखिर में शहीद रानी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब की जिंदगी के पंजा विचार शहीद रानी तो समझा तो कि अड़ी शख्सियत हुई तो मतलब दुनिया में अड़ी घट शख्सियत हूँ जी उन्होंने राइज किया जै मुश्किल में जो उन्होंने मुश्किल मुश्किल फेस क्यों पेश आई उनके लाइफ टाइम में शुरू शुरू में जी भुट्टो साहब के शहीद किया तो वो एक मामूली आम इंसान उन्होंने राइज न करी सके तो पार्टी खानदान सब शे संभाले डिक्टेटर जो मुकाबलो नेहत अकेलो मुकाबलो किए औरत थी मुकाबलो किए सुरखरू थी आई उनसा गडो गड पाकी या जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेर से बीहारी भुट्टो साहब को भारी अक्सरियत से पाकिस्तान की पेरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर पेरी खातून वजीर आजम यो तो समझा तो एक मतलब वो मिसाल एग्जाम्पल आ हिस्ट्री जो इतिहास में मतलब उन्हें हिस्ट्री में अड़ो कभी भी अड़ी शे नी एक दफा ना दफा वजीर आजम थी आई जो डिफिकल्टी जो मुश्किल फेस क्यों बहादुरी से नहीं फेस कई पाँच बार की परवरिश कई सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से जाती ऑन टाइम थी रही केस कूड़ा कहता रहा मोहतरमा तो पान से केस रहा सियासी साथियों से केस रहा वरी भी हर शे फेस कई सुठे नमूने अंदाज से फेस कई एग्जाइल में रहो पो
वरी भी मुल्क के लिए कहीं जिदोजहद कहीं जिदोजहद न खत्म थी ऐसे दिन जी पाकिस्तान की भी मोटी वही मोटी आई थ्रेटस वरी भी उनकी गाल को पोचे नी यो उनके बावजूद खबर है लाइफ के थ्रेट आई गाल थी उनके बावजूद भी तुम ऐसो आवाम के नई आखिरी वक्त आवाम के नई अगर लाइफ में औरतन के लिए जो उन उनके एम्पावर कई अगत वी आई ह्यूमन राइट्स के हवाले से डिक्टेटर के खिलाफ आवाज खड़ी आई समझा तो कि बिजली की शख्सियत दुनिया में ना है ना ही कोई अड़ी खातून अड़े सर्कमस्टांसिस में ही अगते प्रोग्राम अज शत में असा मेहमान हुआ फिराज अहमद शेख साहब शिकारपुर हाउस मौजूद आयु साइन की गाल बोल आवाज शेयर क्यों इंद वक्त के लिए कैमरा में अब्बास सुमरण सर डॉक्टर हफीज़ द्रोही की दीदा इजाज़त अल्लाह निगाहबान सलाम।